तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर थ्री में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। अब जो दो इक्वेशन हमने पढ़ी है, कि हमने अभी तक देखा कि जो इक्वेशन है आपकी, दोनों इक्वेशन या तो सॉल्वेबल होगी या फिर वो इनसॉल्वेबल होगी, ये हम देख चुके हैं है ना, कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है उस केस में वो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे रही है एक्स और वाई की, यानी कि कोई एक ऐसी वैल्यू होगी कि ये जो दो आपकी दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये दोनों उस वैल्यू को, वो जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी। एक्स और वाई अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे दोनों का सम 14 आएगा, एक्स और वाई सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 4 आता है। ठीक है, तो उसे निकालने के तरीके हैं हमारे पास, जो एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या करोगे, आपको दो इक्वेशन गिवन है ना, गिवन है आपको दो इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में से, दोनों में से, आप चाहे सेकेंड इक्वेशन से चाहे फर्स्ट इक्वेशन से, क्या करोगे आप वैल्यू निकालोगे। सपोज मेरे पास इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, अब मैं यहां से एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां से क्या करा है, एक्स की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ वाई ना, ये कहां से आया मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आया। अब इस सेकेंड इक्वेशन से जो एक्स की वैल्यू मिली है वो मैं उसे कहां पुट करूंगा, इसे पुट करूंगा इक्वेशन वन के अंदर। ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इक्वेशन वन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट करो, हमने सेकंड से निकाली और हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स की जगह हम क्या कर देंगे 4 प्लस वाई पुट कर देंगे, वाई वहां पर ऑलरेडी है, ये हमने एक्स की जगह रखा है 4 प्लस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे हमने ये एक्स की वैल्यू रिप्लेस करा दी है 4 प्लस वाई की फॉर्म में इक्वल्स टू 14, तो ये आपको मिलता है 2y equals to 14 minus 4, तो 2y equals to 10। ठीक है, तो यहां से आपको जो y मिलता है वो 5 मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो y की वैल्यू है हम वापस कहां पुट कर देंगे, जहां हमने x निकाला था, या आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमने y की जो वैल्यू निकाली है y equals to 5, मैं वापस कहां पुट कर रहा हूँ, x equals to 4 plus y के अंदर मैं पुट कर रहा हूं, तो x जो आ जाएगा आपका वो आएगा 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां पे आप देखोगे कि अगर आप a1 अपॉन a2 निकालते हो है ना, a1 आपका यहां पर 1 मिलेगा, b1 आपका 1 मिलेगा और c1 आपको 14 मिलेगा, a2 आपको 1 मिलेगा, b2 आपको -1 और c2 4 मिलेगा। तो यहां से आप ये भी चेक कर सकते हो कि a1 अपॉन a2 आपका b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो यूनिक सॉल्यूशन। और हमें यहां पर एक ही वैल्यू मिली है x और y की। ठीक है, तो आपका एक एक सॉल्यूशन मिला है एक्स वाई दैट इज 9.5। जब आप दोनों इक्वेशन में, आप यहां पे वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह 9 और वाई की जगह 5 पुट कर दोगे तो वो 14 बनाएगा, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में अगर आप एक्स की जगह 9 और y की जगह 5 रख दोगे तो वो 4 बनाएगा। ठीक है, तो आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट में दिया, आप चाहो तो डेसिमल में इसे सॉल्व कर सकते हो ऐसी, लेकिन हम क्या करते हैं पॉइंट में हमें ना सॉल्व करना पड़े, तो जैसे सबके अंदर देखो आप सिंगल पॉइंट है ना, एक एक डेसिमल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ये पॉइंट जो है आपका वो चला जाएगा है ना, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक एक राइट शिफ्ट हो जाएगा। हम दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी और इक्वेशन के राइट साइड में भी। ठीक है, इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो नई इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। हम सेकेंड इक्वेशन में भी क्या कर रहे हैं 10 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनती है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये इक्वेशन आती है आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू
23। अब आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन से, सपोज मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक्स निकाल लेता हूं, तो एक्स क्या आएगी, 2x = 13 - 3y, और एक्स आ जाएगा मेरे पास 13 - 3y/2। ये जो मैंने एक्स निकाला है इसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, है ना, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप इसे पुट करोगे। तो इक्वेशन 2 मेरे पास है 4x + 5y = 23, और 4 × x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 13 - 3y/2, यहां पे कैंसिल होगा, +5y = 23, तो ये बनेगा आपका 26 - 6y + 5y = 23। 23 को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा 26 - 23 = यहाँ पे ये बनता है माइनस वाई, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, 6y - 5y, तो y = आपका आता है 3। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दो वापस जहां पर आपने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो x हमने निकाला था 13 - 3y/2, तो इसे आप पुट करो यहाँ पर 13 - 3 × 3/2, तो 13 - 9/2, दैट इज 4/2। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आपका बना वो क्या बना, x = 2 and y = 3। आप इसे चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो कि अगर आप इक्वेशन के अंदर पुट करोगे 0.2 × 2 + 0.3 × 3, तो ये आपका 1.3 आना चाहिए, तो ये बनता है 0.4 और ये बनता है 0.9, ऐड करोगे तो 1.3 बनेगा, ठीक है। तो ये आपने वेरिफिकेशन कर लिया कि जो भी आपका आंसर है वो सही है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस बार हमें क्या रूट में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहां से आप निकालो ऐसे √2x + √3y, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कई लोग रूट देख के परेशान हो जाते हैं जबकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस जो आपने बेसिक सीखा वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, कि -√3y/√2। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से एक इक्वेशन से ना, मैं ये मान लेता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने फर्स्ट इक्वेशन से क्या करा है, एक्स की वैल्यू निकाली। अब मैं इसे सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो √3 x की जगह हम रखेंगे -√3y/√2, ठीक है, और -8√8y = 0, ये हमें गिवन, ठीक है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। अब देखो बहुत सिंपल सा, इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, आप y कॉमन ले लो, है ना। y अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये बनता है ऐसे -3/√2, है ना, √3 × √3 हो गया, -√8। मैं इसे कैलकुलेट भी नहीं करूंगा क्योंकि देखो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये इधर चला जाएगा जीरो के डिनोमिनेटर में और क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको जीरो आ गई, आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वापस जो आपने x की वैल्यू निकाली थी वहां पे ले जाके क्या करो, इसकी वैल्यू को पुट कर दो, जो y की वैल्यू आपने निकाली है जीरो, इसे पुट कर दो -√3/√2 × 0, ठीक है ना। तो x भी आपके पास क्या आ गया, जीरो, तो आपका आंसर हो गया x = 0 y = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज करते हैं जब हमें x y की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन करे हैं एनसीईआरटी के, आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड।